हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हर श्रृंगार यानी पारिजात पे इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, चाहे वो प्लांट ज़मीन में है, चाहे वो प्लांट पॉट में है। अगर आपने केयर अच्छे से की है तो फ्लावरिंग ज़रूर हो रही होगी। और अभी तक आपके प्लांट पे अगर फ्लावरिंग नहीं हुई है तो अब वेट मत कीजिए, क्योंकि अब फ्लावरिंग नहीं होगी। फूल आने का जो टाइम होता है वो सितंबर ही होता है। सितंबर में कलियाँ बनने लगती हैं और कलियों से फूल लगभग एक महीना लग जाता है पूरा आने में, क्योंकि बहुत छोटी कलियां जब आना शुरू होती हैं और उसके बाद से जब फूल खिल जाता है, इस बीच का जो समय होता है वो 30 दिन होता है लगभग, क्योंकि बहुत शुरुआत से कलियां जब बनती हैं तो थोड़ा टाइम प्लांट ले लेता है। तो अगर आपके प्लांट पे अभी तक आपको कलियां नहीं दिखाई दे रही हैं तो अब फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए अब कलियां बनेंगी तो कब जाकर उसमें फ्लावरिंग होगी? तब तक सर्दियां आ जाएंगी, अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर अभी तक कलियां पौधे पे नहीं बनी हैं तो अब वेट मत कीजिए, अब आपके प्लांट पे कलियां नहीं आएंगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको फ्लावरिंग मिले तो उसके लिए आपको शुरुआत से ध्यान रखना होगा। हम बहुत बार बताते हैं कि फरवरी में आप एक बार हर श्रृंगार के पौधे की रिपॉटिंग ज़रूर कर दीजिए, उसकी हल्की हल्की रूट्स की ट्रिमिंग कर दीजिए, जो कि हम आपसे शेयर करते ही हैं। टाइम टू टाइम आपको हर अपडेट देते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अगर आप अपडेट चेक कर लें टाइम से तो आपके प्लांट में सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर होगी। तो फरवरी में हमें हर श्रृंगार के पौधे का ध्यान रखना होता है। पारिजात हर श्रृंगार एक ही पौधा होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने इस टॉपिक पर भी आपसे वीडियो शेयर किया है। इसमें वैरायटी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि कुछ हर श्रृंगार के प्लांट की पत्तियां प्लेन होती हैं, हल्की खुरदरी तो होती हैं लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट दिखाई देती हैं, जैसे कि आप हमारे प्लांट की पत्तियां देख रहे हैं। और कुछ वैरायटी में ये डार्क ग्रीन कलर में होती हैं और ज़्यादा ही खुरदरी होती हैं, तो वो थोड़ा वैरायटी में चेंज आ जाता है। लेकिन हर श्रृंगार और पारिजात एक ही पौधा होता है और ये नाइट जैस्मिन भी कहलाती है, क्योंकि ये फूल रात में खिलते हैं। जैसे ही दिन छिपता है वैसे ही इसकी कलियां खुलने लगती हैं और रात तक आते आते लगभग 7-8 बजे तक इसके ये पूरे फूल खिल जाते हैं। और जब ये खिल जाते हैं तो बहुत मीठी खुशबू आती है। हर श्रृंगार का जो बड़ा पेड़ अगर कहीं ज़मीन में लगा हुआ है, आप उसके नीचे से गुजर जाएंगे, आपको इतनी मीठी खुशबू बहुत दूर तक आती रहेगी। मेरे यहाँ तो मेरे पड़ोस में भी बड़े पेड़ ज़मीन में लगे हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड पे लगा है, एक राइट हैंड पे लगा है, और मेरे घर में भी मैंने इसको ये ग्रो बैग में लगाया है। शुरू में 1-2 साल तक ये 12 इंच के गमले में रहा, फिर इसको हमने, इसका हाइट बढ़ जाए इसके लिए हमने इसको ग्रो बैग में शिफ्ट किया। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। फरवरी के टाइम ही हम प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं, रिपॉटिंग करनी होती है तो रूट्स की ट्रिमिंग कर देते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं, नया खाद डाल देते हैं। उससे क्या होता है, पूरा सीज़न अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, रेनी सीजन में अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बहुत से लोग रेनी सीजन में कटिंग करते हैं प्लांट की, वो गलत है, रेनी सीजन में बिल्कुल नहीं करना है आपको। फरवरी का टाइम है हर श्रृंगार पारिजात की कटिंग प्रूनिंग रिपॉटिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो सभी काम आप फरवरी में कर दीजिए। तो फरवरी से लगभग जून तक आते आते उसमें स्लो ग्रोथ होती है, पत्तियां आती हैं लेकिन हाइट उसकी ऐसी ही रहती है। फिर जून के बाद से जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है इसमें एकदम से ग्रोथ होती है और प्लांट इतना हरा भरा और हेल्दी, इसकी जितनी भी टहनियां हैं ब्रांचेस इतनी अच्छी हो जाती हैं, रेनी सीजन में पूरी अच्छी से ग्रोथ करता है। और फिर सितंबर से इसमें कलियां आने लगती हैं। ज़मीन में लगा है तो ये गर्मियों से ही फूल देने लगेगा। किसी दिन आपको ज़मीन वाला पेड़ दिखाऊंगी, इतने सारे फूल आए हैं और उसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं। हर श्रृंगार को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब बहुत से लोग क्या है, हर श्रृंगार नर्सरी से लेकर आते हैं तो सीज़न ऑफ होने लगता है तब वो प्लांट लेकर आते हैं, तो वो सही नहीं है। जब ग्रोइंग सीजन हो तब आप प्लांट लेकर आएँ। लगभग जून से आप नर्सरी से ये प्लांट ले सकते हैं। सीड से ग्रो कर रहे हैं तो रेनी सीजन में आप सीड ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए हमारे इस प्लांट पे जो जून में फ्लावरिंग हुई थी, जून जुलाई में, उसके सीड्स बन गए हैं। और जो अब की फ्लावरिंग है और ये कैसे हमें मिली है इस बार की फ्लावरिंग, इस पर हमने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की। हमारा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, फिर हमने इसमें खाद मिलाया और किस तरह से इसकी केयर की है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इस पर जल्दी से कलियाँ बनी और फिर अब हमें सीजन में फ्लावरिंग मिल रही है। कोलकाता साइड में इसको शिवली भी कहा जाता है और ये बहुत मीठी खुशबू वाला फूल होता है, औषधीय पौधा भी होता है, इसके मेडिसिनल काफ़ी यूज़ हैं और बहुत अच्छा अपने आप में एक प्लांट है। धार्मिक महत्व भी है इस पौधे का, लगाना शुभ भी होता है ये पौधा, तो आप ज़रूर लगाएं। बस ध्यान रखें आपके यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे की सीधी धूप ज़रूर आती हो, तभी ये पौधा लगाएं।
मिट्टी में हल्की नमी रहती है, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है। और फर्टिलाइज़र, जो ग्रोइंग सीजन होता है उसमें आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, खास तौर पे जब फ्लावरिंग सीज़न शुरू हो लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें आप खाद का ध्यान रखें। और जब आप फरवरी में इसको रिपोर्ट करते हैं तब अच्छे से खाद मिला दीजिए, केवल और केवल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी रिलेटेड वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।